तिवारी जी, इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया भाई। अरे बात कीजिए डॉक्टर साहब से, थोड़ा जल्दी लाएं। अरे यादव जी आए भाई। कहाँ यादव जी? महाराज मानेंगे, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट को बेइज्जती करके मानेंगे का? टाइम देख रहे हैं, 11:30 बज रहा है। 4 किलोमीटर आने में आपको 1 घंटा लग रहा है। अरे सर, 1 घंटा क्या होता है, इतने समय में तो ये गांव के आके लोग खाना खा के उबासी बिताने में लगा रहता है। वैसे सर, ये मामला क्या है? ये भी मामला यादव जी समय का ही है। एक औरत जो सुबह अपने पति से लड़के मायके को जाती है, अपने बच्चे और सामान को लेके, फिर उसकी आधी जली हुई लाश उसके पति के घर में कैसे मिली? सर, ये तो सिंपल सा केस है, दहेज के लिए पति ने खुद ही मारा होगा। नहीं यादव जी, उसका पति तो दिन भर घर में था ही नहीं, और रात को वो होलिका दहन में था। तो क्या हुआ सर, उसने पहले अपनी बीवी को मारा होगा, फिर होलिका दहन के लिए आ गया होगा? सर, 1 साल पहले एक ऐसा ही केस। यादव जी, अब अपना केस मत सुनाइए, इस केस पे ध्यान दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, उस औरत का एक साल का बच्चा भी था ना, जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं है? एक काम कीजिए, अखिलेश से सविता का और उसके बच्चे का फोटो लीजिए। सविता का मायका है ना गौरीपुरा, उसके मायके चलते हैं, वहां हमें पक्का कोई ना कोई सुराग मिलेगा। चलिए। लेकिन सर, पहुंचते पहुंचते तो सवेरा हो जाएगा और कल तो होली है। अच्छा सर, ठीक है, चलते।